अब थोड़ा सा सोचो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड, और उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे जो गैसेस हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कि हमारा जो आइडियल गैस होता है उससे कैसे बिहेवियर, मतलब डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कि हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस है बिहेवियर में कैसे डिफरेंट होता है। ओके ओके ओके। अब एक बात बताऊं, मेरे पास दो चीज है, एक है आइडियल स्टूडेंट और एक है नॉन आइडियल और रियल स्टूडेंट। तो आइडियल स्टूडेंट कैसे, किसको बोलते हैं? जो पंक्चुअल हो, लेक्चर रेगुलरली अटेंड करें, अपना होमवर्क बहुत ही सही तरीके से करें, एग्जाम में बिना चोरी अच्छे मार्क्स कवर करें, कभी भी जब एग्जाम खत्म होने वाली या फिर ऑनलाइन एग्जाम है तो टेक्स्ट बुक में से ना लिखे और ना ढूंढे कि कौन सा टॉपिक होता है, या फिर अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप ना करें कि भाई ये वाला आंसर आता है ये लिख दे, या फिर वो अपने फ्रेंड्स को पूछे कि भाई कौन सा आंसर आता है, कितना लिखना आता है वो बता, कौन से पेज नंबर पे है वो बता। तो ये जो ना पूछे ये सभी बच्चे हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? आइडियल स्टूडेंट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो हमारी और ये सभी जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, टीचर की इंस्ट्रक्शन को, यहाँ पे जो लेक्चर कभी कभार भरे, होमवर्क सर बोले कि भाई सेंड करना है व्हाट्सएप, फिर भी सेंड ना करें, एग्जाम में फुल टून चोरी करें, एग्जाम में पूरे का पूरा चेपे बाहर से, ओके, और सर की इंस्ट्रक्शन को ध्यान में ना ले, उन सभी बच्चों को रियल स्टूडेंट बोलते हैं। अब जब मैं दिया लेके ढूंढने गया, जब मैं पूरे अपनी स्कूल में या अपने क्लास में मैं जब ये दिया लेके गया, मैं ढूंढना चाहता था कहाँ पे मिलेगा मुझे अपना आइडियल स्टूडेंट, लेकिन पता चला कि कोई बच्चा आइडियल स्टूडेंट था ही नहीं। फिर मैंने देखा तो कभी आइडियल होते हैं, तो जब एग्जाम टाइम आती है तब ये डबल डोल किए आते हैं, पूछते हैं मोस्ट टाइम भी क्या होता है, क्या पूछने वाले हो, कौन सा टॉपिक पूछने वाले हो, कौन सा टॉपिक नहीं पूछने वाले हो, फिर वो पढ़ाई करते हैं, फिर सर की इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने लगते हैं, तब जाके जब एग्जाम टाइम आता है तब थोड़ा सा उनका बिहेवियर जो है, तब थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो कौन सी ओर शिफ्ट होता है? आइडियल की ओर शिफ्ट आइडियल। होता है। आई बात सुन में आपको? यस सर। तो सर टाइम। यहाँ पे भी मुझे पता है आपको बहुत दुख हुआ कि मैंने जो भी है वो सच बताया आपको, टेंशन मत लो, आज से थोड़ा ट्राई करो कि आइडियल स्टूडेंट बनने की ट्राई नहीं करो। ओके, दुख टाइम हुआ। के चेंज होना पड़ता है सर। क्या हुआ बच्चे? टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। ओके दैट्स व्हाट, कि टाइम के हिसाब से आप बहुत रियल होने लगे हो आजकल, कोरोना का टाइम आ गया तो आप उसका एडवांटेज लेने की बजाय डिसएडवांटेज ले रहे हो बच्चों, ये सही बात है, दिमाग में बिठा देना। अब अच्छे से सोचो मैं क्या बोलना चाहता था, कि गैस में भी यही है, जो कोई भी गैस पी इज इक्वल टू एनआरटी को हर कंडीशन पे फॉलो करे उसको आइडियल गैस बोलते हैं, और जो ना ऑब्वे कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल रियल गैस। गैस। अगर हम लोग बॉयल के लो की बात करें या फिर पीवी वर्सेस पी का अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें, आप समझना, तो बॉयल के लो में याद करो क्या था एग्जैक्टली, बॉयल के लो में क्या हमने पढ़ा था? तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ? कम होता है। कम कितना होता है। कम होगा पता है? यहाँ पे पी वन वी वन था, पी टू वी टू इतना होता है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉन्स्टेंट रहता है, पी इज इक्वल टू के रहता है, आया ना? यस याद आया, याद आई आपको ये बात? यस अब सर। थोड़ा सा अब सोचो, हाँ पी इज इक्वल टू के,
कॉन्स्टेंट है, ठीक है? वो नहीं, आगे की स्लाइड क्या करना है, आगे की स्लाइड का तुझे कंटिन्यू करो, अब हो गया जो कंप्यूटर। अरे बोल मत भाई बहुत ज्यादा। पी वी जो है अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, किसके वर्सेस किसका ग्राफ है ये, यहाँ पे पी वी वर्सेस यहाँ पे पी का कर्व है, ओके? तो हमें पता है कि पी वी वर्सेस पी का कर्व कैसा आता है, बताओ। चलो सर, आप प्रेशर कितना भी चेंज करो, वॉल्यूम ऐसा चेंज हो जाएगा कि उनका ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, मींस हम ये समझ सकते हैं स्ट्रेट लाइन रहेगा। हाया ना? यस सर। तो अगर आपका गैस, अगर इस लाइन के आसपास है तो आइडियल हुआ, हाया ना? यस सर। फिर इन्होंने ट्राई की, फिर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैस पे ट्राई की। पहले क्या था, जब इन्होंने ट्राई की H2 के ऊपर, हीलियम, हीलियम के ऊपर ट्राई की, तो हीलियम ऑलमोस्ट नजदीक था, डेविएशन कम था, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते थे उसका जो है वो कर्व थोड़ा 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 उसका डेविएशन बढ़ता जा रहा था। तो जब प्रेशर बढ़ाते हो तो डेविएशन बढ़ता है, जब प्रेशर कम होता है एट दैट टाइम आपका ये जो हीलियम है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव शो करता है। यस और नो? यस। क्योंकि यहाँ पे पीवी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन या तो प्रेशर ज्यादा हो गया होगा या तो वॉल्यूम हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया होगा, इन दोनों में से कोई हमारे एक्सपेक्टेशन पे नहीं चला होगा, इसीलिए इनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो गया। समझे आप बात? डेविएशन आया। यस सर। ओके, फिर एक बच्चा बोलता है सर एक काम करो ना, हम एक काम करते हैं हाइड्रोजन का यूज करते हैं, हाइड्रोजन का। मैंने बोला ठीक है भाई हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन का यूज करने बैठे हम लोग, तब पता चला कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन का डेविएशन कैसा रहता है, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं CO, तो इनिशियली थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन, और उसके बाद वापिस आफ्टर सम टाइम वो कैसा हो जाता था, पॉजिटिव। इस प्रेशर के बाद इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करना था, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, ये है। आई बात समझ, किसकी बात करेंगे बताओ? सीओ की। तो सीओ में थोड़ा ज्यादा कव ले लिया मैंने, इट्स ओके। अब हम जो बात करने वाले वो किसकी है पता है आपको? CH4 कुछ इस तरह से मिला। तो स्टार्टिंग में ये कैसा डेविएशन दिखाते थे, नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन, लेकिन बाद में कैसा हो गया, पॉजिटिव। आपको थोड़ा समझना है कि शुरू में लो प्रेशर पे क्या हो रहा था कि पीवी की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उसे थोड़ी कैसी आ रही थी, कम हो रही थी, और फिर आफ्टर सम प्रेशर वो क्या हो गया, बढ़ गया। यस और नो? यस सर। तो ये थोड़ा डेविएशन था, अदरवाइज अगर सभी आइडियल होते तो सभी की लाइन कैसी आती, कांस्टेंट, स्ट्रेट। यस यस यस। फिर हम यहाँ पे एक बात ये देख सकते हैं कि लो प्रेशर पे अगर आप प्रेशर अगर आपका जीरो है, ओके, एट अ जीरो बार, हाँ, जब प्रेशर नील है एट दैट टाइम सभी गैस कैसे है बताओ, सभी गैस किसकी तरह एक्ट करते हैं, आइडियल गैस की तरह एक्ट करते हैं। नाउ इज इट क्लियर सर? व्हाट हैपन, प्रेशर जीरो कर देंगे तो सब लाइंस नीचे नहीं आ जाएगी, क्यों? ग्राफ तो होगा, वॉल्यूम प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, तो प्रेशर जीरो कर दिया तो जीरो हो जाएगा ना सब, हाँ सभी जीरो हो जाएगा, तब यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, तब आप ये रेफरेंस लाइन ले लेना, ठीक है? हेलो, तब आप इसको रेफरेंस लाइन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। यस, हाँ बोल रहा हूँ मैं। यस सर, मैंने भी हाँ ही बोला। ओके ओके चलो, लेकिन बात ये हुई, अब हम हमारा वो ग्राफ देखते हैं पीवी वाला कर्व, हमें बॉयल से ही तो ला रहे हैं, तो बॉयल में हमने दो चीज देखी थी ऐसे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उससे ग्राफ मिल गया, और एक हमने देखा था पी इज प्रोपोर्शनल टू द 1/V, हाया ना?
यस सर। तो अब हम क्या देखने वाले, ये आपका पी है और ये आपका वी है। तो आइडियल गैस, अगर हम देखो आइडियल गैस सर है ही नहीं तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो। मैं इस इक्वेशन में थियोरेटिकल लिख लेता हूँ, मुझे मैं पी और वी है वो चेंज करूंगा एनआरटी के अकॉर्डिंग टू। मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों इसके अंदर, पी एंड वी चेंज। यस 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 यस, मींस ये थियोरेटिकल होता है आइडियल वाला। चलो ये सपोज इस तरह से मिल रहा था, ये कौन था हमारा आइडियल गैस है। अब देखो रियल गैस में क्या हुआ, जैसे जैसे मैं प्रेशर कैसा करता गया, जैसे जैसे मैं प्रेशर कम करता गया इसका जो डेविएशन है वो कम होता गया। एक प्रेशर पे दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया, फिर वॉल्यूम और फिर जो डेविएशन वापिस बढ़ गया, फिर डेविएशन अपोजिट साइड हुआ है ना। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर also becomes apparent when pressure versus volume, pressure versus volume plot of experimental data and that the theoretical calculated from Boyle's law should coincide. हम क्या करें, एक theoretical लेते हैं और एक क्या लेते हैं observed। तो हमें ये plot देखने को मिला, जब pressure high होता है, at a high pressure the measured volume is more than, हम जितना volume measure कर रहे थे उससे ज्यादा ही है, तो positive deviation हुआ, समझे बात। Was more yes, sir. The calculated volume at a low pressure, measured and calculated volume approaches each other. Means अगर lower pressure है तब mostly कैसा रहता है, same, है ना? Approaches to each other means almost कैसा रहता है, same. Okay, ये बात बनती है। अगर आप थोड़ा सा सोचो कि अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक curve है वो क्यों, अब हमारे mind में question आता है यार ऐसा क्यों, क्यों ये रियल गैस जो है वो आइडियल जैसे बिहेव नहीं कर पाते, क्या दिक्कत है, कोई एक तो गैस ऐसा होना चाहिए। फिर अगर मैं ऐसा सोचूं कि क्यों बच्चे जो है वो होमवर्क नहीं कर रहे, उनको पढ़ाई करनी है, अगर वो पढ़ रहे 11 साइंस में तो क्यों होमवर्क नहीं करते, समझ रहे हो बात। कोई एक तो बच्चा ऐसा होना चाहिए जो सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, जो सर जो भी बोले उनको काम से अच्छे से काम करे और एग्जाम में बिना मार्क्स कटे 100 out of 100 लाए, ऐसा तो बच्चा होना चाहिए, उसी को तो आइडियल बोलता हूँ। लेकिन फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्यों, सभी बच्चे रियल स्टूडेंट्स क्यों है। फिर मैं सोचूंगा कि यहाँ पे है ना मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड हो गया था, मुझे कोई और भी पैरामीटर्स इसमें डालने चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स है, उसका बिहेवियर है, ठीक है, उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, वो सभी चीजें मुझे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, है या ना। Yes, sir. और यहाँ पे जो assumptions है उसमें कहीं ना कहीं मैंने बहुत strictly कहीं ना कहीं rule बना दिया है, तब जाके मुझे ideal student नहीं मिल रहे हैं, ये बोल सकते हैं ना हम। Yes, sir. तो in a same way, अगर मैंने try की behavior note down करने की, अगर मैंने behavior note down करने की try की और उस behavior में मुझे अगर यहाँ पे सभी के से ऐसा behavior नहीं मिला ideal के जैसा, तो कितना डेविएशन मिला, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, क्यों मिला। और एट अ लोअर प्रेशर सब आइडियल गैस की, सभी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों करने लगे। सो ये चीज मुझे थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। अरे बड़ी बात समझ में आपको, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब हम जब डेविएशन निकाल रहे थे तब हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे कोई ना कोई assumptions में कहीं ना कहीं गलती आ गई है, हमने हमारे assumptions कुछ lightly ले लिए हैं, या फिर हमने हमारे assumptions लेने में बहुत ही मतलब ओके कर दिया है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो रही है या ना। अब हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं आफ्टर सीइंग दिस, अब हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आप समझना अच्छे से कि यार देखो, नाउ two questions arise after seeing this graph behavior, two questions arise dimag mein, do hi question aate ek ki why do gases deviate from the ideal gas, ye deviation dikhai kyu rahe bhai, jaise main sochu ki sab bacche padhne aa rahe to homework kyu nahi kar rahe bhai, agar sabhi ko padhna hai to kaam kyu nahi kar rahe log, isi tarah agar ye sabhi gas hai to ideal gas ki tarah behave kyu nahi kar rahe, deviate kyu kar rahe।
और व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच gases deviate from ideality. चलो deviation क्यों दिखाते हैं और कौन सी conditions ऐसी है जहां पे ज्यादा deviation दिखाते हैं और कौन सी condition ऐसी है जहां पे कम deviation दिखाते हैं. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप temperature बहुत ज्यादा कर रहे हो और pressure बहुत कम कर रहे हो, at that time क्या कर रहे हो आप? टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कर रहे हो और प्रेशर बहुत ही क्या कर रहे हो? कम. एट दैट टाइम डेविएशन इज लेस. आई बात समझ में आपको? तो सर टेम्परेचर बढ़ेगी तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा साथ में? क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साथ में प्रेशर नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साथ में यार प्रेशर रो रखना है और टेम्परेचर बढ़ाना है. एट दैट टाइम तुम्हारा डेविएशन लेस होगा. तू सोच यहाँ पे मैं वो गैस बहुत कम रख दू तो प्रेशर कैसा रहेगा? कम कम रहेगा. अरे तू इसको हीट करे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्रेशर तो कम होगा ना. यस सर. तो यही इन दोनों को तो कॉम्पेंसेट करना है. एक बार टेम्परेचर क्या कर दो, बहुत बढ़ा दो और प्रेशर कम रखो, तब क्या होगा बताओ? एग्जैक्टली deviation less होगा. That's what. Is it clear? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. तो दूसरा question. So अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमें पता चला कि ये इन दोनों के क्वेश्चन से हमें पता चला कि इफ यू लुक कि व्हाई मतलब डेविएशन क्यों दिखाते हैं, इसके आंसर, इसको आंसर ढूंढने पड़ेंगे ना. अभी क्या ढूंढना पड़ेगा बताओ बच्चों? इसके आंसर्स. तो इनको पहले पता चला कि यहाँ पे डेविएशन इसलिए दिखाते हैं कि हमारे जो है Oh, some postulates are not good with that. We are not good with the postulates. There is an error in postulates. Well, humle simply bol sakta hu. Error in postulates. Sir, kaun sa postulate? Arey, aaj lecture start hote hi humne nahi padhe the acche gases, kinetic gases, energy wale, wo wale. Yes, sir. Pehla wala hi aayega ki humne to ye soch rakha tha. There is a no force of attraction. Between the molecule of gas. थोड़ा सा सोचो ना अभी कि भाई यहां पे जो मॉलिक्यूल है वो जो है अब थोड़ा सा सोचो. हमने देखा था ये एक्सपांड होते हैं. क्यों? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, गैस में तो निग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है. बोला था ना? यस सर. यस सर. कुछ गलत है वो कुछ. सो क्या गलत है उसमें मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी. लेकिन वो अजम्पशन में कुछ लोचा है. और दूसरा हमने वॉल्यूम के बारे में देखा था. बताओ आपने क्या क्या कौन सा अजम्पशन लिया था कि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम जो गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है? Negligible होता है उसके कंपेयर में स्पेस के. हाँ, स्पेस के कंपेयर में कैसा होता है? Negligible. तो ये बात भी गलत है. ओके, तो मतलब इसमें हमने थोड़ा ज्यादा ही फ्रीली ले लिया इसको. तो इन दोनों assumptions की वजह से हमारा जो है वो गैस डेविएट करता है. आगे पूरी बात सुन में? यस सर. ओके, तो सर इसको करेक्ट कैसे करें और इसमें होता क्या एग्जैक्टली? हाउ कैन वी जस्ट करेक्ट इट? और हम हमारे इक्वेशन में कैसे चेंज ला सकते हैं? अभी assumptions एक बार तो हो गया,
हमने बहुत अच्छा सा इक्वेशन भी ला दिया इसके ऊपर से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन अब इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारे गैस का बिहेवियर मेजर कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छे से होमवर्क करो, मुझे सेंड करो और दो बार समझने की ट्राई करो. आपके हमारे सिलेबस में बिहेवियर ऑफ रियल गैस वाला पॉइंट है जो लास्ट वाला हमने पढ़ाया इस लेक्चर में. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा मैं पूछ सकता हूँ. ओके सो प्लीज बी केयरफुल एंड बी अवेयर ऑफ इट.